हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन में आप लोग फॉन्ट साइज को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको टेक्स्ट साइज को चेंज करना, अगर आपके फ़ोन में जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए यहाँ पर सिस्टम में जितने भी टेक्स्ट हैं इसके साइज को आप लोग कैसे छोटा बड़ा कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको जो है थोड़ा सा लार्ज साइज का जो है यूज़ करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो स्मॉल साइज़ का जो ये टेक्स्ट है उसको पसंद करते हैं। तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में जो है अपने हिसाब से इस फॉन्ट साइज को एडजस्ट कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस डिस्प्ले का, तो इस डिस्प्ले के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस फॉन्ट साइज एंड स्टाइल का, तो इस फॉन्ट साइज एंड स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फॉन्ट साइज का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर एक एडजस्ट करने के लिए स्विच भी होगा, तो इसको आप लोग जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना आपका टेक्स्ट साइज जो है वो लार्ज साइज का हो जाए। अभी देख सकते कितना लार्ज हो चुका है मेरे फ़ोन के टेक्स्ट साइज वगैरह देख सकते हैं। और अगर आपको स्मॉल टेक्स्ट साइज चाहिए तो इसको नीचे लेके जाइए और इस तरीके से देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट साइज है वो स्मॉल साइज का हो चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना स्मॉल हो चुका है, तो यहाँ पर से आप लोग अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन में आप लोग फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।